परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रचा, अद्भुत काम करने के लिए। हमें सर ना, एक अफसर का बेटा क्या चाहता है? एक डॉक्टर का बेटा क्या चाहता है? अधिकतर जो डॉक्टर है किसी भी एरिया में, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या बने? डॉक्टर बने। सर पिता क्या चाहता है? हम क्या बने? परमेश्वर जो पिता है वो क्या चाहता है कि हम बने? वो ये चाहता है जैसा ध्यान देना पिता ने यीशु को भेजा, ठीक, और हर एक जन को पिता यीशु की तरह चाहता है। इसलिए लिखा है हम मसीह के संगी वारिस हैं। संगी वारिस, ग्रंथ में लिखा है हम परमेश्वर के कोवर्कर हैं, सहकर्मी हैं। तो हम यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अधिकार पिता ने यीशु को देकर भेजा, ठीक, यीशु ने अपना काम पूरा किया और वही अधिकार उनके विश्वास करने वालों को देकर गया। इसलिए कहा जाओ, लेकिन उससे पहले उसने क्या कहा बताया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। अमें ऐसे नहीं, उस अथॉरिटी को लेकर, या मैं कहूं ध्यान देना, या मैं कहूं ध्यान सुनिएगा, या मैं कहूं यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया और हर एक चाबी, ध्यान देना, हर एक चाबी, चाहे वो जीवन के किसी भी एरिया को, हर एक चाबी, चाहे वो मृत्यु का हो, अधोलोक का हो, प्रॉफिटिक हो, एनीथिंग, हर एक चाबी जो शैतान ने आदम से छीन लिया था, उन सारे चाबियों को, कीज को यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा कर वापस ले लिया और वो की, वो चाबी हमें दे दिए। इसलिए कहा गया है जो कुछ तुम खोलोगे वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जो कुछ तुम बांधोगे वो तुम्हारे लिए बांधा जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो अपने सर्कमटेंसेस को मत देखो, अपने परिस्थितियों को मत देखो कि आप कहां पर हो। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। He given you authority and power. उसने आपको अधिकार और सामर्थ्य दे दिया। Now what? Use it. क्या करना है? इस्तेमाल करो। घर का अधिकार दे दिया, घर का अधिकार दे दिया है तो घर में अब जो चाहे वो कर सकते हैं। उसने अधिकार दे दिया, यूज इट। मैंने लास्ट टाइम कहा, एक बार जब शैतान ने मेरे परिवार पर हमला किया तो मैं पुकार उठा, हे प्रभु, क्योंकि जो सुपर नेचुरल एनकाउंटर हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने कहा प्रभु मिनिस्ट्री में इतना सुपर नेचुरल एनकाउंटर हो रहा है, घर में ये शैतान कहां से मतलब अटैक कर रहा है। तो मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु अपने दूतों को भेजो। तो बड़े हृदय, वो भी रात के 2-3 बजे में हम प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने स्पष्ट रूप से मुझे बोला कि तू क्यों नहीं नियुक्त करता है। मैं शॉक हो गया, प्रभु यहां पर शैतान हमला कर रहा है और मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे बेटी के लिए एक, मेरे बेटे के लिए एक, मेरी पत्नी के लिए एक स्वर्गदूतों को नियुक्त करो, आप मुझे कह रहे हैं कि नियुक्त करो। उस दिन मैं समझ पाया कि राज्य के भेद को समझना जरूरी है, प्रार्थना के भेद को समझना जरूरी है, उपवास के भेद को जानना जरूरी है, कलीसिया के भेद को जानना जरूरी है, एक विश्वासी अपने अधिकार को जानना जरूरी है। नहीं तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे और शैतान आपको सताता रहेगा, रोते रहेंगे, सताता रहेगा, रोते रहेंगे कि आपको दे दिया है।
देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, नाउ लिसन, आप सोचिए पतरस की तरह, पतरस और उसके चेलों के साथ कहां बैठे हुए हैं, नाव पर बैठे हुए, ठीक, या मानो आप नाव में बैठे हुए, पतरस को छोड़ी चला गया वो, हम जिंदा हैं, सोचिए आप नाव में बैठे हैं, ठीक, आंधी आई, ठीक, जोरदार आंधी, ऐसा आंधी कि आप उस दिन बस मृत्यु के नजदीक हैं। दो ऑप्शन है आपके पास और वो दो ऑप्शन चर्च इस्तेमाल करता है ना, आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, पहला, या तो आप पुकारें हे प्रभु हम मरे जा रहे हैं, करेक्ट, नाउ सेकंड ऑप्शन, इन द नेम ऑफ जीसस, ज्यादा जोश हो गया ना, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यू, आप डांट सकते हैं, ये आप टू चॉइस, या तो करो या तो आई रिब्यू इन द नेम ऑफ जीसस, दो चीज, ना लिसन, जो लोग जोएल के उम्र के हैं ना, आत्मिक आत्मिक स्तर में भी उम्र होता है ना, ध्यान देना, आत्मिक क्षेत्र में जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, सयाने नहीं है, परिपक्वता नहीं है, अभिषेक के रल में नहीं है, स्तर में नहीं है, वो क्या करते रहते हैं, हर एक परेशानी में, ओ गॉड, हे प्रभु, हे परमेश्वर, छाती पीटते रहते हैं, जैसे दाऊद ने पीटा था, हम दाऊद की देखते हैं प्रार्थना को, ना लिसन, ये वक्त नहीं है दाऊद के समान प्रार्थना करने का, आपको बता दे रहा हूं, आप पुराने नियम की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते आज, क्यों, उस समय उनके पास पिता नहीं था, राजा था परमेश्वर, अभी पिता है हमारे पास, ना लिसन, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं वो हर वक्त हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु फीस नहीं है, हे प्रभु रेंट नहीं है, हे प्रभु फ्यूचर, बस बस अपनी चिंता के लिए करते रहते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी में आ गए हैं वो क्या करते हैं, फादर थैंक यू दैट यू प्रोवाइडेड, पिता धन्यवाद तूने सब कुछ उपलब्ध yes. कर दिया, पूरा कर दिया, स्थिर कर दिया, थैंक यू फादर, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था प्रार्थना करके आपके हाथ में वो है जो आपने मांगा, वो आपके सोचो हाथ में है, ये सोचकर धन्यवाद करो, फादर थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस, हाँ, और कोई भी डिस्टर्बेंस हो, प्रोसिक्यूशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है पति की ओर से, पत्नी की ओर से, परिवार में, टॉलरेट नहीं करना, सहन नहीं करना, सीधा डांटो, सीधा डांटो, दैट्स इट, कोई कुछ भी टॉलरेट नहीं करना, इवन हेडेक भी टॉलरेट नहीं करना, एक हेडेक तक टॉलरेट नहीं करना है, क्यों, ये बॉडी टेम्पल है परमेश्वर का, हेडेक का नहीं है, बीमारी का नहीं है, डोंट टॉलरेट, अगर आप टॉलरेट करोगे ना वो बढ़ता रहेगा, सिर दर्द खाते रहो सेरोटोनिन और मरो जिंदगी भर, मेरी बात समझ रहे हैं, सो जब आप अथॉरिटी में जीते हैं वो अथॉरिटी प्रमाणित होना आपकी लाइफ में, अगर आप आत्मा में जीते हैं वो तो आत्मा का प्रकटीकरण भी तो रहेगा ना, ना लिसन, क्या लिखा है वचन में देखिए जरा, पहला कुरंथी 2:4, फर्स्ट कुरंथियंस चैप्टर 2:4, पहला कुरंथी 2:4, फर्स्ट कुरंथियंस की किताब है ये, चैप्टर 2:4, नाउ मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 2:4 पहला कुरंथी, अरिया 18:6 है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, आमीन, नाउ लिसन, सुनिए,
हमारे विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण, या मैं कहूं आम भाषा में सबूत होना चाहिए। हमारी प्रार्थना के जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होना चाहिए। हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होना चाहिए। हमारे उपवास के जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का सबूत होना चाहिए। हमारी आराधना में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होना चाहिए। हमारी संगति में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण हमारे जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसे हुए, कहीं ना कहीं बॉन्डेज में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मैनिफेस्टेशन में है, डेमोन्स्ट्रेशन में है, प्रकटीकरण में है। आमेन। बाइबल कहता है बात में नहीं, कथावाचक थोड़ी है, यहां पर श्री कृष्णा का कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, यहां पर ये जीवन और आत्मा की बात कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन के साथ। जो हम बोलते हैं वो होता है। आमेन। उस अथॉरिटी के साथ तो चाबी हमें दे दी गई है, यूज इट। आमेन। इस्तेमाल करें। ये सहने का टाइम नहीं है। जो कुछ देखिए, कोई परसिक्यूशन करता है यीशु मसीह के नाम से, निंदा कर रहा, सहो, वो सहना है। सुनिए, वो सहना है। बेमतलब का शैतान अगर हमारे जीवन को सताए, वो टॉलरेट नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता करना है, करो, बट कोई और चिंता आपके जीवन में आपको चिंतित करते, डिप्रेशन में डालते, डांटो उसको। वो अधिकार नहीं रहना चाहिए आपके जीवन में। ये डिप्रेशन का मंदिर नहीं है, चिंता करने वाला मंदिर नहीं है। हालेलुया। ये व्यभिचार का मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। आमेन। ये शरीर इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो और वो प्रकट हो। आमेन। और वचन ये भी कहता है कि तुम, यदि हम मसीह के सच्चे विश्वासी हैं तो हम हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, हम आज्ञा देंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे। हालेलुया। तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज कहा जा रहा है कि हमारे जीवन में सबूत हो, लेकिन वो कब होगा? जब हम इस्तेमाल करेंगे। बिना इस्तेमाल के कैसे सबूत देखेंगे ना? डेमोन्स्ट्रेशन तब नहीं होगा जब तक यूज नहीं करेंगे। यूज इट, इस्तेमाल करो, बोलो। परिस्थिति को देख के प्रार्थना नहीं करना। कभी कभी आप प्रार्थना करेंगे, अपोजिट हो सकता है सिचुएशन से, डजंट मैटर, सिचुएशन अपोजिट हो रहा है। लिव लाइक अ किंग, राजा के समान जैसे बात करते, परिस्थिति देख कर प्रार्थना नहीं करना। बोला सो हो गया, दैट्स इट। आमेन। उसका अपोजिट हो रहा है, डोंट वरी, आई प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं 7 days हीलिंग, या फिर गवाही दे देते 7 दिन लग जाते हैं, 1 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता, 2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन 7वें दिन आके देखते हैं वो रिजल्ट, वो गवाही दे रहा है, प्रभु को धन्यवाद। सो कभी भी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कैलकुलेशन करके, हिसाब किताब करके प्रार्थना नहीं करना। मैंने जो बोला सो हो गया, दैट्स इट। बस नहीं कहता है ना मरकुस में, मरकुस 11 में कहता है, जो कुछ तुमने विश्वास किया प्रतिति करो, विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। आमेन। या मैं कह सकता हूं कि जो आपने बोला उसका डीड से बन गया है, सिग्नेचर हो गया है, वेट हो गया, दैट्स इट। आमेन। दैट्स इट। मैं कभी कभी कहता हूं, जो कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमेन, यीशु का नाम सिग्नेचर है, जो आपने बोला सिग्नेचर हो गया, दैट्स इट, सील, दैट्स इट, कोई उसका टाल नहीं सकता। आमेन। यह आत्मिक वातावरण में ऐसा होता है, जो प्रार्थना करते हैं सोचे हुए डीड्स की तरह होता है। जब आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, या वो सील हो गया, टैग लग गया उसमें, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपने देखा कभी, अभी तो अभी भी है, वो पार्सल वाली यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सील होता है एक तरह का, जहां पर वो रेड कलर का कुछ होता है, उसको गर्म चीज से सील कर देते थे। वो अभी भी होता है, पार्सल वाले, रेलवे वाले यूज करते हैं इस तरीके को। अभी पहले पोस्ट ऑफिस वाले यूज करते थे। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ सीज किया जाता है वो सरकार को छोड़ कोई खोल नहीं सकता, मतलब उस सील को कोई तोड़ नहीं सकता। ध्यान दीजिए, हम जो प्रार्थना करते हैं वो मानो वो जब तक पूरा नहीं होगा वो पूरा ही होगा, मतलब उस सील को शैतान तोड़ नहीं सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जो आप मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं, वो आपने यीशु मसीह के नाम से सोचो सील कर दिया है। हमें शैतान कुछ नहीं कर सकता, नादे कुछ भी नहीं कर सकता उसके पक्ष में, उसके विरोध में। हाँ, वो क्या करता है, हमारे अंदर संदेह पैदा करता है, और कब तक, तुम तो प्रार्थना किए जा रहे हो, लेकिन कब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अधिकार अथॉरिटी यीशु ने दिया है उसको इस्तेमाल करो।
उस रीति से प्रार्थना करो जैसे यीशु ने किया। मैंने आपको कहा दो रास्ता आपके पास, या तो चिल्लाओ या तो डांटो, या तो चिल्लाओ या तो घोषणा करो। आमेन, हालेलुया। जब मेरी आवश्यकता होती है मैं एक ही चीज करो, हे पिता धन्यवाद तू विश्वास योग्य है। आमेन, कुछ भी है मैं वचन को घोषणा करता हूँ। वचन 67:19 में लिखा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन मेरे बोझ को उठाता है। पिता धन्यवाद तू मेरी चिंता करता है। धन्यवाद यहोशू 1:5 में लिखा है कि प्रभु तो जैसे तो मूसा के संग था मेरे भी संग रहेगा, और तूने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हे पिता तू विश्वास योग्य है। हे पिता, देखिए जितनी बार आपके मन में संदेह उठता ना उतना बार बोलो हे पिता तू विश्वास योग्य है। फादर यू आर फेथफुल, फादर यू आर फेथफुल। पिता तू धन्यवादी है। हे पिता तू विश्वास योग्य है। हे पिता धन्यवाद, हे पिता धन्यवाद। आप मुझे बताओ कौन सा अटैक आपके जीवन में, कौन सा डिप्रेशन आपके जीवन में, कौन सा डाउट आपके जीवन में काम करेगा। When you speak against the words of Satan, आप विरोध में बोलो ना। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति शक पैदा होता है तो क्यों ना उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। कई बार शैतान वचन के द्वारा हमला करता है, आप भी वचन के द्वारा हमला करें। अपने माइंड को बोले हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मन तो मन है ना, मन लिखा साध्य एक बीमारी की तरह है। बोले हे मेरे मन प्रभु को धन्यवाद कहे। हालेलुया। नाउ मैं आज क्या कहना चाहता हूं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। दूसरा, या तो आप चिल्लाओ या तो आप डांटो, अथॉरिटी आपके पास है, जैसा आप इस्तेमाल करना चाहते हो आपका। आमेन, हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने घर में स्वर्गदूतों को नियुक्त करता हूँ, वो नियुक्त हो जाएंगे। जहां पर शैतानी काम होता, अगर आप कहते हैं मैं वहां स्वर्गदूतों को नियुक्त करता हूं, वहां नियुक्त हो जाएंगे। सब कुछ आपके हाथ में है ना। कोवर्कर का मतलब क्या हुआ? कोवर्कर का मतलब हुआ कि स्वामी आदेश देगा, कोवर्कर करेगा, सहकर्मी करेगा। हाँ, आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? यीशु आज्ञा देगा कोवर्कर को, कोवर्कर करेगा यीशु के लिए। इस तरीके से काम होता है भैया। वहां आप जो काम करते हैं, क्या आपके ऊपर के मैनेजर वो काम करते हैं? वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर वो कमांड करते हैं कि भाई ये चीज, ये चीज, ये चीज लाइक दैट। यीशु मसीह भी ऐसे ही है। वो हमें कहेंगे करना हमें, हम को वर्क करें। यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा ना। लिसन, अगर यीशु मसीह, अगर यीशु को आपको सब करवाना है ना, देना। अगर आपको यीशु मसीह को सब करवाना है तो आप किस लिए हो? थोड़ा चेंज करो, खोपड़ी निकालो अपना। आमेन। सब यीशु मसीह को करना तो व्हाट, आपका जीवन का मकसद ही क्या है? फिर आज कलीसिया ने सेवक कली आज कलीसिया क्या मैं क्या बोला सेवकों ने कलीसिया को अंधा कर रखा है। सेवकों ने कलीसिया को अंधा कर रखा है। इसमें यीशु मसीह को देख नहीं रहे हर बात में। हाय, अरे भाई, यूज योर अथॉरिटी। समझ रहे हैं आप? ये समय है पुकारना है ना, चिल्लाना है, रोना है। आत्माओं के लिए रो, अपने पेट के लिए नहीं। हालेलुया। जॉब आपका अथॉरिटी है, उत्तम कपड़े आपका अधिकार है, भोजन आपका अथॉरिटी, इसके लिए मांगने का जरूरत नहीं है। बच्चों, बच्चे क्या है, बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? रोटी बच्चे का अधिकार नहीं है? सुफर सो हमें पुकारना है तो आत्माओं के लिए, हमें पुकारना है तो नाश होने वाले लोगों के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं पुकारना है। आमेन, हालेलुया। सो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने अधिकार दे दिया, यूज करो, यूज करो। हालेलुया। नाउ लेट्स प्रे। आई एम गॉड।